लाया कहां मुझको मेरा मुकद्दर अल्लाहु अकबर। चल आ जा पहले ना जितनी ऑफर देंदा मैं नहीं यार ना रान नहीं मोन का दिस मैं के इस बार नहीं मुना करेंदी ले ही लेंगी। ईद की वैरायटी इनके पास आई पड़ी थी। हां जी नहीं कब तो अच्छा माल आ गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट लाजमी कर लो भाई। टाइम तकरीबन भाई अभी जो है ना 12 बजने वाले हैं। नहा धो के हो चुका हूँ जी रेडी। आज मेरे पास दो स्मार्ट वॉचेस पड़ी हैं भाई। एक ये स्मार्ट वॉच है, सिल्वर डायल है इसका, और ये वाला भाई जो क्लेजी कलर है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मैरून कलर, हाँ ये है भाई। ये भाई लियाकत की है, पता नहीं वो घर भूल गए हैं या खुद रख के गए हैं। और ये वाली भाई मेरी है, गोल्डन डायल है और मैरून कलर के इसके स्ट्रैप्स हैं। तो आप बताएं भाई इनमें से कौन सी प्यारी लग रही है। मुझे तो भाई मेरी अपनी ही प्यारी लग रही है, क्योंकि ना ये थोड़ी सी इसका डायल बड़ा है और थोड़ा सा ना कर्वी है ना, तो फ्लेक्सिबल फील होता है, रिलैक्स फील होता है। ये थोड़ा सा है भाई एजेस वाला, तो ये एज इसके थोड़े बहुत लगते हैं। लेकिन ये अगला मॉडल है और ये पिछला मॉडल है। तो कौन सी पहनूँ, एक दो दिन भाई इसके भी टॉर बना लेते हैं, दिखाएंगे दो स्मार्ट वॉचेज है। खैर मजाक कर रहा हूँ भाई। तो ये मुझे अभी नज़र आई है तो मैंने कहा चलो दिखाऊँ आपको कौन सी पहननी चाहिए। तो फिलहाल जो है ना मैं आज भाई लियाकत की पहनूंगा जी, आज भाई लियाकत की वॉच पहन के जाऊंगा, अपनी मैं रख के जा रहा हूँ, थोड़ा सा ना इसका भी एक्सपीरियंस किया जाए। तो आज हम ये पहनेंगे भाई, टाइम भी ये गलत करके पड़ी हुई है, कुछ इस तरह से भाई लग रही है। और आज जो भाई मेरा कपड़ों का कम्बिनेशन है ना, ये शर्ट इसके साथ ये वाली भाई वॉच बहुत मैच कर रही है, तो इसलिए फिर मैंने आज जो है ना ये पहन ली है। अभी जो है ना मेरा है भाई सिटी जाने का प्लान, कुछ सामान खरीदना है। अम्मा ने भाई स्पेशली काफ़ी दिनों से कहा हुआ था, तो वो सामान भी खरीद के लाते हैं। अभी प्लान बन रहा है, अभी जा नहीं रहा, प्लान बन रहा है लेकिन सोच रहा हूँ कि चला जाऊँ। और बहुत दिन हो गए हैं भाई गाड़ी नहीं चलाई, और माशाल्लाह से ईद करीब आ रही है, तो गवर्नमेंट ने ईद का तोहफा दे दिया पूरी पाकिस्तान की आवाम को, 10 रुपये पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया है। गाड़ी आज थोड़े से चला लेते हैं क्योंकि ना काफ़ी दिनों से खड़ी, तकरीबन 8-10 दिन हो गए ये नहीं चली। तो इसका ना वो क्या कहते हैं बैटरी वगैरह अक्सर लो हो जाती है, तो फिर इसको ना थोड़ा स्टार्ट करना पड़ता, तो इसी बहाने ये बैटरी भी थोड़ी चार्ज हो जाएगी। और जो जो चीज़ें भाई अम्मा ने कही है ना, उनमें एक झाड़ू है हमेशा की तरह, तो वो भी ले कर आते हैं और इसको भी थोड़ा फ्रेश करके आते हैं। धुलवा के मैंने खड़ी की थी भाई, आज इसको ना थोड़ा टाकी शाकी भी फिर दोबारा मार लेते हैं, मिट्टी पड़ जाती है। पेट्रोल भाई अम्मा और महंगा हो गया है, ये अभी कह रहे हैं और भी महंगा करना है इन्होंने, 300 क्रॉस करना है। गवर्नमेंट बनी थी, इन्होंने कहा था कि हम बिजली 300 यूनिट मुफ्त देंगे। 300 यूनिट मुफ्त देना तो बहुत दूर की बात, उन्होंने बिजली महंगी कर दी है। निकलने से पहले जो है ना भाई बाजी को कॉल कर लेते हैं कि वो घर पर ही हैं या नहीं, क्यों होना तो उनको घर पर ही चाहिए, क्योंकि ब्रदर इन लॉ जो है ना वो भी इत्तकाफ़ में बैठ गए हैं और मिसबा भी घर इत्तकाफ़ में बैठी है, तो इस वजह से ना वो कहीं जा नहीं सकती, मतलब कोई ले जाने वाला नहीं है, कहीं अगर कोई सामान वगैरह ख़रीदना हो या कहीं किसी रिश्तेदारों से मिलने जाना तो वो घर पर ही होंगे। लेकिन अम्मा कहती है फिर भी कॉल करके पूछ लो। हाँ जी वो भी बैठी है घर में ही है। हाँ टिकी रह गए किसी तरह, वैसे कहते हैं बैठ जाओ तो फिर बंदा छोड़ नहीं सकता कुछ भी हो जाए, तो नहीं बैठ लेगी उसको ना। वो जो दरवाजा गेट के साथ इंटर होते ही दरवाजा, बड़ा वाला बेडरूम जो है उनका, अच्छा, उसी में आ गई है कॉल, आ गई। हेलो वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल जी, ठीक हो? बस जबरदस्त, कितने हो? अच्छा मैं क्या मैम दा भी हम दास छोड़ा, तो पहले इन्फॉर्मेशन दे छोड़ी है जी, मैम दा भी हम अम्मा दी भी सुन लो भाई, अम्मा भी को जान दी पई है, मैं गया क्या इन्हें वगे हम दा मैं बहन का कार भाई मरी घर से जा आई काई नहीं मरी मुके करन भाई ना कॉल पर बात हो गई, और भाई अम्मा ने इंस्ट्रक्शन जो है ना खुद दे लिए चूल्हे के लिए, अपनी बेटी को खुद के साथ जाना और लेके आना है, तो देखते हैं भाई अब कैसा चूल्हा लेके देते हैं। मुझे पता वजनी फिर भी कोई खांसी है।
तो इंशाल्लाह शाम तक भाई अफ्तारी तक, या शायद अफ्तारी उधर ही हो जाए या फिर अफ्तारी से पहले आ जाऊंगा, वो तो काम होने पर ही डिपेंड करता है। तो लेट्स गो। अभी बस मैं निकलने ही लगा हूँ तो एक चीज़ देख के भाई हम हैरान रह गए हैं, बिल्ली ने अगले दिन जो हमारी मुर्गी पकड़ के खाई है ना, सारी यहाँ पे बैठ के खाई है भाई, गाड़ी के नीचे। हाँ हम हैरान है, गाड़ी के नीचे बैठ रही, गाड़ी मतलब आगे खड़ी होती है ना यहाँ पे, तो ये सारे उसके पंख जो है ना उसने यहाँ तसल्ली से बैठ के खाई है। ये बिल्ली के तो छित्रोल करने वाली है भाई। गर्मी हो गई है जी स्टार्ट ऑफिशियली तौर पर, रात को फुल तेज पंखा चलाना पड़ता है और दिन को भाई अच्छी खासी आजकल प्यास भी फील होती है, तो मतलब वेलकम टू समर। बाकी एक नात मुझे आजकल बहुत पसंद आई है, बहुत सुनता हूँ, तो मैं आपको भी थोड़ी सी सुनाता हूँ, बस एक लाइन सुनाऊंगा। लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नहीं भाई ये दो लाइनें ही मुझे अच्छे से आती थी जो मैंने आपको सुनाई हैं, बताएं कैसी लगी आपको। तो अभी बस निकल चुका हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं जाकर वाजी आसिया के घर और जाके शॉपिंग करते हैं भाई। टूर के लिए भी मुझे शॉपिंग करनी है, आई होप सो कि आज वो भी थोड़ी बहुत मैं करके आऊँगा, ट्राउज़र्स वगैरह और निकर्स वगैरह लेने हैं, तो और भी अगर मतलब साइकिल के रिलेटेड कुछ चीज़ें मिल गई तो वो भी ले लूँगा, तो वो सिटी ही जाकर पता चलेगा। फाइनली जो है ना भाई पहुंच गया हूँ बाजी आस लोगों के घर। इधर रही जी, क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक है, लगता है गला चला आपका भी खराब है भाई। यार वो पता नहीं इतना अरसोया खा लेना सेट नहीं होता। नहीं इस बार जिसका भी गला खराब हुआ ना, मैंने जो मरीज देखे हैं बहुत लंबे अरसे तक चले। मैं इस बार ना कोई वायरस आया हुआ है, गला खराब नजला जुकाम का ना मतलब लॉन्ग टर्म चल रहा है, जो भी बीमार हो रहा है लेकिन ठीक हो जाता है, लेकिन टाइम लग रहा है। बस सारे ठीक ठाक, इंस्ट्रक्शन अम्मा ने आपको दी थी, चूल्हा कौन सा भैया आपके पास, ये पड़ा है ना, पता की है जरा मेरा दिमाग काम करेंदा है। हां जी रंजीत तक मैं सजर पे की पेन चले आना। हां ये चीज ऊंची होनी चाहिए। हां आज चीज ना बजी में आ है ना, मेक आता है स्टेप होना चाहिए भाई। मसला ये है ना, आपकी तरफ जो गैस का प्रेशर है ना बहुत ज्यादा है, मैंने देखा है वो ऐसे फैलती है जैसे बड़े चूल्हे का नहीं होता, हमारी तरफ ना ऐसे एक नीचे से उंगली की तरह जल रही है, लेकिन घट भी हो ना प्रेशर तो इस तरह ना भाई दो दबे हो या होंदा तो अहीं तई फैल जाता है। ये जितना ऊंचा है ना ये मेरे ख्याल में ठीक है, वही तो ठीक है, लेकिन वो इस तरह ना भाई उस देश की अहीं तई रखिंदी है वो दबी गई, जड़ी ये देह ना शोआबे शोले बन दे अग दे वो ना अहीं साडन उत्तो जलेंदी है देश की नु, वो मरचा जल्दी है ठीक है, अगर थोड़ी ऊंचा हो ना तो प्रेशर अहीं उत्तन जांदा ना वो दरमियान छीट लगदी। सही बात है, ए मेरा मेरा तो ये तजुर्बा है। अम्मा का के अम्मा के पास पहले जो पड़ा हुआ था ना उन्होंने उसको भी रगड़वा के ना नीचे करवा दिया था कि सही है। मक्खियाँ तो आपकी तरफ भी बहुत है, मौसम आ गया भाई, इसीलिए गर्मियों से मुझे नफरत है, मक्खियाँ ऊपर से पसीना मच्छर बिजली का जाना ये सब चीजें गर्मियों में आग एक बार पड़ती है। छोटी छोटी नहीं नहीं इसीलिए ना भाई सर्दियों का मौसम होने जाए लो सो जाओ, कोई मसला नहीं होता। मुझे ना बिल्ली की ऑफर आई है कि बिल्ली लेके जानी है ना तो ले जा सकता हूँ, तो है भाई ऑफर बिल्ली कर रही है जी रेस्ट, और वाकई में मक्खियां इधर बहुत हैं, स्प्रे स्प्रू करवाए ये ना स्प्रे वगैरह ना सी ना मोर्टीन वगैरह इस तरह छिड़काइंदे इस दी वजह तो नहीं पाए। ये देखो भाई कैसे सो रही है, ये लेजी हुई बड़ी है नहीं मक्खियाँ ना नॉर्मल रोशनी पे आती है ना, बहुत ज्यादा रोशनी पे आती है ना बहुत ज्यादा अंधेरे में आती है, तो यहाँ पे ना साया साया सा रहता है ना तो मक्खियाँ यहीं पे इकट्ठी होती हैं। हमारी तरफ भी सेम यही सिचुएशन है, गर्मियों का मौसम है ये मक्खियाँ रहेंगी, जब एक्सट्रीम गर्मी आएगी ना शायद कुछ मर जाए, लेकिन भाई ये भी ताकतवर हो गई है। सबसे पहले जो हम भाई ना अपने जो टूर के लिए ना ट्राउजर्स वगैरह देखने के लिए आए हूँ, और शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे आपके पास, शॉर्ट्स भी दिखाने। हाँ जी भाई देखें कौन सा आपको जिप वाला लेना, ताकि मोबाइल से वाइल डालें तो गिरे नहीं जब साइकिल चलाओ तो।
इस तरह की नहीं, कार्गो नहीं देखनी, बस जो सॉफ्ट वाली हो ना, हमने चलाना है साइकिल, तो उस हिसाब से जो टूर पे जाए ना तो बेस्ट है। नहीं ये भी लेंगे। तो ये भाई शॉर्ट्स हैं, ये ट्राउजर्स हैं, ये भी शॉर्ट ही है, ये इनको कहते हैं निक्कर भी कहते हैं, कुछ और भी कहते हैं इनको, चलो जो भी है। ये वैरायटी तो काफ़ी है इनके पास, है ना? पसंद करते हैं वैसे तो भाई ने काफ़ी दिखा दिए हैं। भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शुरू हुई है, चलो मैं पूरी करके जाऊंगा। भाई कह रहे हैं पार्टी शुरू हुई है, हम फिर पूरी करेंगे यार। पसंद भी कर लें जो आपकी नज़र में आ जाए ना, उस पर काबू भी रहना है आपने। मैं तो शुरू में सॉफ्ट वाली थी ना, ज़्यादा मज़ा की थी। हमें ना जो स्पोर्ट्स वाली लेनी है, मतलब जिम वगैरह के लिए जिस तरह की होती है ना, वो जो शुरू में दिखाई है ना भाई, ये वाली चीज़, और ये है वो फ्लेक्सिबल, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, चाइना की, चाइना होती है ना, हाँ चाइनीज। ये मैंने ट्राई की है जी ट्राउजर, और कुछ ऐसी है, मुझे तो भी पसंद आई है, बहुत ही मतलब बहुत ही सॉफ्ट है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट किस्म की, तो ये साइकिल जब चलाएंगे ना तो मज़ा आएगा। बाकी प्राइस भाई इसकी कितनी है, 2150 रुपये प्राइस भी ट्राउजर के हिसाब से अच्छी खासी है। तो ये वाले भी मुझे पसंद आई है, लेंथ भी ठीक ही है, और जिप वगैरह भी इसकी लगी हुई है, तो मतलब जेब में मोबाइल वगैरह भी डाल सकते हैं, बैक साइड पर भी है, जेब है मेरे ख्याल में, हाँ है। तो एक तो भाई ये डन है, अच्छा भाई ट्राउज़र जो है ना हमारी ये वाली डन हो गई है, और साइज़ वगैरह मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पर मुझे पूरी आई, अच्छी लगी है ना, लुक में अच्छी थी ना, तो स्पोर्ट्समैन लगना चाहिए ना बंदा। तो अभी शॉर्ट लेनी है मुझे, तो एक तो ये ब्लैक में, लेकिन गर्मी में बहुत गर्म हो गई है, तो ये कलर नहीं ले रहा, इसमें कलर मैं डिफरेंट कोई देख रहा हूँ, ये नेवी ब्लू है। शॉर्ट जो है ना हमें ये वाला, और एक ये भी दिखाई है भाई ने, स्टफ़ का डिफरेंस है, ये थोड़ा सा हार्ड वाला है लेकिन ये थोड़ा सा सॉफ्ट वाला है, तो इसके भी जिप्पे हैं ना, बस हाँ बस ये है ठीक है, ये ब्लू वाली कर दें, और कुछ बस फिलहाल तो यही है, शर्ट्स नहीं चाहिए। अच्छा भाई मेरा तो हो गया, अभी बाजी आसिया जो है ना इधर सूट देखें, लेडीज़ के भी हैं, ये वाला क्या भाई स्टफ़ ठीक है, मुझे स्टफ़ नहीं चाहिए लग रहा। अब भाई हम खुद लेते हैं तो हिसाब देख लो कपड़े का स्टफ, चलो ठीक है, उसका बिल हो गया, ये भी हमारा बिल। पहले हम गारमेंट से हो गए हैं, अभी जो है ना भाई क्लॉथ हाउस पे आ गए हैं, सेम शॉप है, सेम ही नाम है, और एक सूट हमें लेना है, दुपट्टा इसका अच्छा है, तो ये रेशमी है, कौन से हैं ये रेशमी, और पतनी लॉन काटन है कोई, ऐसे के लिए एक सूट लेना है, तो वही देख रहे हैं, फिर ग्रीन में आ गई हैं ना, सब कहते हैं ग्रीन नहीं लेना इस बार ना, हर बार जैसे ना ग्रीन ग्रीन लेकिन ले, इसका दुपट्टे भाई सबके प्यारे लग रहे हैं, ये देख रहे हो जो काम हो वो है ना, और जो स्टफ है ना प्यारा है। इनका जो रेट्स है ना मैं आपको दिखा देता हूँ, 4350 है, सारे तकरीबन सेम है आसपास में, ये वाला कलर हमने पसंद किया है, तब्दीली आ गई है वाकई में ना, तो ब्लू वाला लिया, ग्रीन भाई ने काफ़ी दिखाए हैं, भाई को भी पता कि ये ग्रीन ले जाते हैं, तो इस बार हमने ब्लू भी आए हैं, और ये बिल्कुल डिफरेंट शेड है, यही वाला कर रहे हैं, पीछे कैमरा घुमाया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम क्या हाल है जी, ठीक है ठीक है, आप सुनाएं दुआ में, एक आ यार सेकंड है, ओके ट्रेन दुपट्टा है। अभी जो है ना हम सिलेंडर वाली शॉप पे आ गए, और यहाँ से हमने लेना है जी, जैसे कि अम्मा ने कहा था गैस वाला चूल्हा, तो भाई अभी दिखा रहे हैं, एक ये दिखाया लेकिन इसका ना ये जो स्पोर्ट है ना ऊँची है, अम्मा यही कह रहे थे कि ये चीज़ नीचे हो, ताकि ना सारे जो गैस का वो जो शोले हों ना उनका सेक कम लगे। एक ये भी भाई ने दिखाया है, ले भाई चूल्हा हमारा चल गया है, अच्छा खासा इसका प्रेशर है। हाँ जी सही है, हाँ सारे सुराग हो गए, अच्छा लो कीजिएगा, बिल्कुल लो कीजिएगा, दरमियान वाला चलेगा, अच्छा मतलब ये सारा पूरा नहीं चल सकता लो पे, ये इकट्ठा लो पे मतलब सिर्फ दरमियान वाला चलेगा, सही है।
शॉपिंग वगैरह जो है ना करके हम आ गए हैं जी वापस, और चूल्हा भी अम्मा का ले लिया। मुझे नहीं लगता कि अम्मा को चूल्हा पसंद आएगा। सिलेंडर तो यूं खा जाए सिलेंडर के हिसाब से ना नहीं नहीं अब सही इतना घर में बैठकर मैं पहले भी चला की है भाई खरीद के लाए दिखाए ना जी माशाल्लाह भाई ये देखे सारी लेडीज माशाल्लाह ने जेबें खाली करवाने पहुंची होती है वहां पे। मैं जद्दे वाली दुकान ते हुण तक कोई ऐसियां औरतें भाई जिहड़ियां शहर च वेखियां ही नहीं ना आई दे नहीं लोग बड़े दूर दूर से आते हैं। साहब जरा वैरायटी रखो तो फिर लोग जाते हैं। वैरायटी भी अच्छी है 2150 है ठीक सही मिल गई है नहीं इतने की होगी क्योंकि ऑनलाइन मैंने देखी थी ना हाँ? इससे भी महंगी महंगी मिल रही अच्छा। और एक ही अभी शॉर्ट ली थी साइकिल ये भाई साइकिल में बड़े काम आएंगे हाँ तो ये मिली है हमें 1050 की सी ठीक मिल गई है इतने की अच्छा उसके बाद एक ना लेंगे हाँ, लेंगे वैसे इन्हें मैंने ऑफर दी थी भाई मैं ट्राउजर ले लेन कुछ तू भी ले ले हाँ, खाली हाथ ना जा खाली हाथ ना जा मैं कहा चल आ जा पहले ना जितनी ऑफर दे मैं नहीं यार ना रान नहीं मोन कदी से मैं इस बार नहीं मुना करेंगी ले ही लेंगी। ईद की वैरायटी इनके पास आई पड़ी थी हाँ जी तो अच्छा माल आ गया है ये जो है ना स्टाफ अच्छा था ये तो पहले हमने शॉपिंग की है ना बिल्कुल ना मेनू कपड़ा मत नहीं नहीं उस वक्त नहीं आया था आज साफ पता चल रहा था कि नए कपड़े आए पड़े ये बात ऐसी है ब्लू कलर है ग्रीन है इसमें शेड और व्हाइट कलर है इसमें कलर मेरे ख्याल मैंने काफी अरसे बाद मैंने इस्तेमाल चलाया नहीं नहीं ये बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो अभी जो है ना मैं वापस घर के लिए निकलने लगा हूँ जी और इधर गाड़ी के पीछे ना एक गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ से गाड़ी निकल नहीं सकती तो ना कोई फ़ोन नंबर है ना रब्ता है कोई है ही नहीं। तो एक बच्चा मुझे बता रहा था कि इन घर वालों की गाड़ी है तो मैंने इनसे पता किया तो वो कह रहे हैं घर पर भी नहीं है अभी तो मैंने कहा रब्ता करके भाई इनको बताएँ मुझे गाड़ी निकालनी है अब ये शाम तक खड़ी रहे तो फिर मैं इधर तो नहीं रह सकता ना अभी तो देखो अब क्या बनता है काफ़ी टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अल्लाह ही खैर करे शाम में इधर ही ना पै जाए सारे इधर ही ना हो। शुक्र है भाई आ गए थे जी आंटी ने कॉल की थी बेटा था शायद उनका तो आ गए थे वो बाज़ार से शायद कोई सामान वगैरह लेने गए थे तो गाड़ी हटाई है और अभी भाई मैं जा रहा हूँ अभी मैंने जाना है जी बाइक देखने के लिए होप सो बाइक अवेलेबल हो वहाँ पर ताकि मैं उसकी लुक्स वगैरह भी एक बार फिर से देख लूँ और उनसे पूछ लूँ कि मुझे बाइक चाहिए तो कब तक मुझे मिल सकती है क्योंकि ना ये मतलब डिलीवरी करते हैं ना तो बाद में बाइक देते हैं पहले बुक करवानी पड़ती है। शोरूम पे मैं आया हूँ एक ये खड़ी हुई है 125 आई थिंक 24 मॉडल है लेकिन इसकी ना भाई सस्पेंशन बहुत बुरी है बहुत ही बुरी है भाई तसव भाई मुनव्वर के पास है ना इस तरह की बाइक मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता लेकिन यहाँ ये चलती भी ज़्यादा है और 150 जो है ना वो इनके पास अवेलेबल नहीं है वो कह रहे हैं मंगवा के देंगे और 20 से 25 दिन में आएगी वो। इधर भी ये 125 ऐप खड़ा हुआ है लेकिन मेरा जो प्लान है ना 150 का है तो इसका जो मुझे सबसे जो ड्रॉबैक लगा था ना वो एक ही था मैंने जब फैसलाबाद में ट्राई किए थे वो इनकी सीट का था ये सीट काफ़ी सख्त है और अनकम्फर्टेबल है जबकि 150 की बहुत फर्क है थोड़ी सी स्पोर्टी लुक में आती है बाकी ऑलमोस्ट हाँ साउंड काफ़ी ज़्यादा है इसका और थोड़े बहुत ये टैंकी टापे के फीचर्स में ना थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी लुक वाइज जो है ना मेरे ख्याल में वो इतनी मिलती जुलती ही है तो लेकिन ये कह रहे हैं कि वो मंगवा के दे सकते हैं तो ब्लैक कलर मुझे पसंद है या रेड लेना चाहिए आप सजेस्ट करें फिर वही वाला ऑर्डर कर देंगे तो भाई लोग मंगवा देंगे। तो बाइक वाले शोरूम से हो लिया और वो बता रहे हैं कि मैं कॉल करके पूछूंगा कि कब तक बाइक आपको मिल सकती है तो वो उसके बाद ही फिर बताएंगे। बाकी मैं अभी भाई इधर ये सिटी मार्ट पर रुका था कुछ शॉपिंग करनी थी घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदना था वो खरीदा है और अभी जो है ना भाई घर के लिए निकलते हैं और टाइम जो है ना भाई 2 तारीख लिखी हुई मैं 2 इसको समझ रहा था कि ये टाइम गलत हो गया 4:30 हो गए हैं भाई तो घर चलते हैं इफ्तारी का टाइम जो है ना हो जाएगा तब तक मैं घर भी पहुंच जाऊंगा। अभी मैं बैंक से जा रहा था और ये मिला है मैं छोटा सा एक सब्सक्राइबर अस्सलाम वालेकुम कैसे हो कह रहे थे कि वीडियो बनानी है आगे वीडियो में आपने देखनी है कब से देख रहे हो मेरे ब्लॉग्स अच्छा अच्छे लगते हैं या नहीं चलो थैंक यू ठीक है चलता हूँ मैं ओके अल्लाह हाफिज़। अभी बस बैंक के लिए रुका था यार अम्मा ने ना कुछ पैसे मंगवाए थे ज़रूरत थी घर में आपको पता है महीना ख़त्म होने वाला है ईद आने वाली है माह रमज़ान के तो ज़कात वगैरह भी देनी है कुछ तो दे दी है लेकिन कुछ रहती है तो उसके लिए पैसे चाहिए थे। तो टाइम जो है ना 5:30 हो गए और मैं भाई बस अभी घर पहुँच गया हूँ सारा सामान निकालते हैं भाई ये भाई
सबसे पहले भैया आपके और अब्बा जी के लिए फ्रूट हैं। अच्छा। पकड़े बड़े भारी हैं। मैंने हाथ भाई व्लॉग जब बनाना हो ना तो फिर एक हाथ इस्तेमाल कर पाता, दूसरे में तो डेफिनेटली कैमरा ही होता, तो फिर मुश्किल होती है। चलिए यहाँ चार पाई पे रख दे, मैं दूसरा निकालता हूँ। ये भाई आपका पसंदीदा चूल्हा, पता नहीं अम्मा को चूल्हा भी पसंद आता है या नहीं आता, बाकी छोड़े आप चूल्हा चेक करें। अच्छा। पता नहीं आपको पसंद आता है या नहीं। खोल नहीं, हाँ तो वो हौले हौले ही होते हैं, भारी कहाँ से मिले आता उनको, कहता मुझे बना के दो स्पेशल। अरे ये मेरी भाई थोड़ी, ये भाई थोड़ी सी मेरी शॉपिंग। ये भाई बाकी का सामान खोल के चेक करें ना। ये फ्रूट निकाल दीजिएगा छापरों में से ना, गल जाते हैं। ये भाई मैंने ली है जी एक कच्चा, चेक करें जल्दी जल्दी, बस बताती जाए कि ठीक है या नहीं, हाँ या ना, हाँ ठीक है। अच्छा एक ये ट्राउजर है। अच्छा बस ये अच्छा लगा था, स्टफ भी अच्छा है। तो ये बाकी ये चूल्हा है, ये कुछ भाई मैं चीज़ें लेके आया था जी, अपनी टूथपेस्ट है, शैम्पू है, फेस वॉश है, और ये एक ब्रश है, और ये पैसे जो बच जाते हैं ना ऊपर से टाफी दे देते हैं मुफ्त, पैसे बन जाए लाल। और ये भी चूल्हा है, चूल्हा भी हमने निकाले, सुना है ठीक है, एक सिंगल है। और ये जो है ना, मैंने बाकी जितने भी थे ना वो ऊँचे ऊँचे थे, ये लो ही है ना, ठीक है गुजारा कर जाएगा। इसका भी प्रेशर कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये मिस्त्री ही कर सकता है, ये बाद में रखनी है। ये प्रेशर पहले काफ़ी ज़्यादा था, फिर मैंने कम करवाया, ज़्यादा था, मतलब ये आप खुद करवा सकते हो। अच्छा। इस तरह ऑटो है, माचिस वाला भी नहीं है। बाकी सही है ना, हाई मतलब उसकी हाइट ठीक है। ये देखो भाई पुराने वाला टूथपेस्ट, ऐसे मैंने निचोड़ निचोड़ के इसमें से निकाला है कि कुछ रह ना जाए इसमें, इसीलिए बाई चांस आज मुझे याद आया तो मैं ले के आ गया। बाकी शैम्पू शैम्पू भी आ गया, फेस वॉश भी खत्म हो गया था। टाइम अभी इफ्तारी में रहता है, फिलहाल वीडियो को भी करते हैं जी खत्म। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो भाई सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर मस्ट टिल द नेक्स्ट वीडियो। भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, काम याद रखिएगा, तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।